क्या पूरा दिल पढ़ो पढ़ो मेरी क्या कोई जिंदगी लिया है बताओ बता पढ़ लिख के क्या कर लूंगा मैं ना खेलने देते ना बाहर जाने देते हैं बस पढ़ो ही पढ़ो अरे घर लिए नरक है नरक ये इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं अरे मर जाऊंगा तभी चैन मिलेगा तभी ओ, सच में मरेगा क्या हाँ मरूंगा मार देगा ले वैसे भी जी के क्या फायदा है अरे अरे इतना गुस्से में क्यों है शांत हो जा भाई बता क्या हुआ गुस्से में अबे भाई गुस्से में क्यों ना हूँ मेरा घर नहीं है ये नरक है नरक पता ना घर से बाहर जाने देते ना दोस्तों के साथ खेलने देते ना फोन चलाने देते ना मूवी देखने देते भाई कुछ भी नहीं करने देते बस कहते हैं पढ़ 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 बता पढ़ लिख के मैं क्या कर लूंगा इतना पढ़ के सही कह रहा है भाई तेरी जिंदगी तो ना सच में नरक से भी बदतर हो गई है हाँ हो गई अब क्या ही फायदा है जी के भाई तू एक काम कर स्कूटी के आगे लेट जा मैं तेरी छाती के ऊपर से स्कूटी चढ़ा देता हूँ जीने का तेरा कोई फायदा नहीं है पागल है क्या वैसे तेरे घर वाले नहीं करते ये सब रोक टोक अरे रोक टोक तो तब करेंगे ना जब मैं घर पे रहूं मैं घर ही नहीं रहता नहीं रहता तू कहाँ रहता है मैं रहता हूँ हॉस्टल में तो हॉस्टल में नहीं रोकते टोकते तेरे को अबे भाई हॉस्टल में कोई रोक टोक नहीं होती चाहे तुम पूरी रात जगो पूरी रात मूवीज देखो जिस टाइम फोन चलाना फोन चलाओ जब तुम्हें मूवी देखनी है मूवी देखो अपनी जिंदगी का खुद मालिक है कोई रोक टोक नहीं है और तेरे को पता है गर्ल्स हॉस्टल में ना एक नंबर लड़कियां रहती है तेरा भाई एक लड़की इधर और एक लड़की इधर लेके चलता है भाई हॉस्टल लाइफ ना एक नंबर है एक नंबर भाई हॉस्टल लाइफ तो मस्त है यार वैसे वहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए कोई रोकता टोकता नहीं है अरे भाई पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता वहाँ फिर तो सही है भाई मस्त है हॉस्टल वाली लाइफ फिर तो हाँ भाई और तो और तेरे को घर का सड़ा हुआ खाना भी नहीं खाना 5-star होटल जैसा खाना मिलता है भाई मेरे को भी ले चलना अपने साथ हॉस्टल में चल भाई तेरे को मना कौन कर रहा है लेकिन पहले अपने पापा से परमिशन तो ले ले आ जाइयो फिर तेरा भाई तेरे को अपने रूम में रखेगा अच्छा भाई अगर ऐसी बात है ना तो अभी की अभी मनाता हूँ पापा को हॉस्टल के लिए और कल देखियो कल तेरे ही रूम में आके रहूंगा हॉस्टल में मजे आ गए अब मैं भी हॉस्टल में रहूंगा अभी आया मैं पूछ के पापा 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 अरे क्या हो गया क्या बिजली पड़ गई अरे पापा मैं आज के बाद घर नहीं रहूंगा घर पे नहीं रहेगा ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा चल उठा झोला और निकल बाहर अरे मेरा मतलब हॉस्टल चला जाऊंगा स्कूल हॉस्टल में छोड़ दो मेरे को अरे बेटा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है तू चला जा तेरे को जहाँ भी जाना है स्कूल हॉस्टल में कहीं भी जा तू घर से निकल जा बस सही है फिर तो करा दो मेरा एडमिशन वहाँ एडमिशन उसकी भी फीस लगेगी हाँ पैसे तो लगेंगे नहीं नहीं कहीं नहीं जाना घर ही ठीक है यहीं रहे घर पे अरे पापा जाने दो ना स्कूल हॉस्टल में मेरे को बोल दिया ना तेरे को घर पे रहना तो बस घर पे रहना है पापा हॉस्टल जाने के बहुत सारे फायदे हैं क्या फायदे हैं अरे जैसे जैसे मैं स्कूल जाता हूँ आता हूँ वो जो टाइम वेस्ट होता है उसमें मैं पढ़ाई कर सकता हूँ हाँ हाँ और पापा स्कूल के जितने भी टॉपर बच्चे है ना सारे हॉस्टल से है एक भी ऐसे नहीं है नॉर्मल हाँ और आपकी और मम्मी की चिक चिक भी नहीं सुननी पड़ेगी मुझे पूरा दिन मैं पढ़ाई कर सकता हूँ आराम से तो अब हॉस्टल जाऊँ नहीं घर पे ही रह नहीं जाना हॉस्टल अरे पापा हॉस्टल जाने के और भी बहुत फायदे हैं अरे बेटा कितने फायदे तो गिना दिए तूने मेरे को नहीं सुनने और फायदे पापा बस आप ये वाला फायदा सुन लो अच्छा बता अगर मैं हॉस्टल चला जाऊंगा ना पापा तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा टाइम मिलेगा किस लिए अरे शर्मा आंटी के साथ पागल है क्या ऐसी ऐसी बातें नहीं करते घर पे अगर तेरी मम्मी ने सुन लिया ना अभी के अभी तलाक के पेपर तैयार करवा देगी कोई नहीं पापा तो दोनों बार चले गए घर से एक काम कर तू हॉस्टल जा तेरे को जितने पैसे चाहिए ना मेरे को बता दियो तो ठीक है फिर अब तो थोड़े ज्यादा ही लगेंगे ठीक है मैं ट्रांसफर कर दूंगा ठीक है पापा ऐसी ऐसी औलादे हैं बाप को घर से बाहर निकालने के आइडिया ढूंढती रहती हैं पापा अरे अब क्या हो गया अरे एक चीज तो मैं भूल ही गया था हॉस्टल में फोन ले जाता हूँ ना ना फोन नहीं लेके जाना बिल्कुल भी नहीं नो अरे पापा ले जाने दो ना ना एक बार बोल दिया ना तेरे को अब तू चाहे ना तेरी मम्मी को बता दे मैं तेरे को हॉस्टल में फोन लेके जाने नहीं दूंगा अरे पापा हॉस्टल में फोन तो सब रखते हैं अरे बेटा हॉस्टल में फोन अलाउड ही नहीं होता इन सब चौंसलों का मेरे को सब कुछ पता है पापा हॉस्टल में फोन ले जाने के भी कई सारे फायदे हैं अरे क्या फायदे हैं अरे आप लोगों से बात कर पाऊंगा ना मैं अरे बेटा हॉस्टल में फोन होता है ना
तो हॉस्टल के फोन से बात कर लियो। अरे वो ऐसे कभी भी बात थोड़ी ना करने देंगे, वो तो एक टाइम पे बात करने देंगे। और वीडियो कॉल थोड़ी ना कर सकता उनके फोन से। तो वीडियो कॉल करनी किसको है, हमें थोड़ी ना देखनी है इतनी गंदी शक्ल, समझ गया? नहीं लेके जाना तो नहीं लेके जाना बस। फोन तो मैं लेके जाऊं। पापा फोन। क्या ले? अरे कल से तो आपने दर्शन ही नहीं दिए। हो हो शर्मा आंटी। पापा फोन। नहीं लेके जाना, बोल दिया ना तेरे को, अगल कहीं का। पापा फोन। पागल है क्या? पापा। मम्मी ने शायद आपको सिगरेट के लिए मना किया है ना? हाँ तो क्या? फोन। अबे ले जा मेरे बाप, जा ले जा, तेरे इस फोन ने मेरा खून पी लिया। तू एक काम कर, फोन ले जा, दबा हो जा बस। पापा एक बात तो है। क्या? बाप से बाप बुलवाने का मजा ही अलग है ना। हॉस्टल का गेट शाम 6 बजे बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद नो एंट्री। ये क्या लिख रखा है? हॉस्टल का गेट तो 6 बजे बंद हो जाएगा, तू तो कह रहा था पूरी रात घूमेंगे हम। भाई हमारे वाले हॉस्टल में कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता, मैं खुद पूरी रात बाहर घूमता हूँ, आज भी घूमेंगे। फिर ठीक है। क्लास की अटेंडेंस डेली चेक होगी, अब्सेंट होने पर फाइन लगेगा। अबे मैं अपने पैसे लुटवाने थोड़ी ना आया हूँ यहाँ पर, फाइन लगेगा। भाई 6 महीने हो गए मेरे को क्लास में गए, आज तक मैंने तो फाइन दिया नहीं, और फाइन कलेक्टर भी मैं ही हूँ, जो और बच्चों का फाइन आता है ना उसके समोसे खाता हूँ। अच्छा फिर ठीक है, फिर तो तेरे साथ मिलके समोसे खाऊंगा सारे फाइन के। हॉस्टल में फोन अलाउड नहीं है। ओ भाई इससे अच्छा तो मेरा घर है। अरे घर पे ही ठीक था, कम से कम 2 घंटे तो फोन चलाने को मिलता था। मैं जा रहा हूँ भाई, मैं नहीं रहूंगा इस हॉस्टल में। भाई देख मैं भी फोन रखता हूँ हॉस्टल के अंदर, ये सब तो यार लिखने की बात है, देख आईफोन है आईफोन। अच्छा आईफोन तो वैसे मेरे पास भी है, ये देख तेरे वाले से बड़ा है, पापा ने दिलाया है, बड़ी जिद करके लिया है मैंने, अब हॉस्टल में मजे लेंगे। हॉस्टल में फोन रखते हो? तुम्हें पता है ना हॉस्टल में फोन अलाउड नहीं है। आपकी तारीफ। मैं इस हॉस्टल का वार्डन हूँ। अरे तू वार्डन हो चाहे प्रिंसिपल हो, हमारा रौनक भाई है ना, आई भी फोन दिला देगा। रौनक बोल इनको फोन वापिस करे। भाई गलती से मिस्टेक हो गई, फोन तो रख सकते हैं लेकिन छुपा के रखना पड़ता है। ये बहुत पहले नहीं बतानी चाहिए थी तेरे को। चलो फोन दिला मेरे को। भाई अब तो नहीं मिलेगा फोन, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सर सर माफ कर दो सर, फोन दे दो हमारा प्लीज। एक बार बोल दिया ना हॉस्टल में फोन नहीं रख सकते तो नहीं रख सकते, नहीं मिलेगा फोन तुम दोनों को। और हाँ क्या बोल रहे थे तुम दोनों कि हॉस्टल में ये रूल अप्लाई नहीं होते, ये नहीं होता वो नहीं होता। तुम दोनों मेरी नजरों में चढ़ चुके हो तो ढंग से रह लेना इस हॉस्टल में, क्योंकि मेरी नजर तुम्हारे ऊपर ही रहेगी। और कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करना वरना देख लेना अच्छा नहीं होगा तुम दोनों के लिए। चलो निकलो अब। आते ही इतना बड़ा चूना लगवा दिया, फोन छिन गया मेरा, अब बिना फोन के हॉस्टल में दिन कैसे कटेगा मेरा, कैसे काटूंगा बताइए अब। भाई हॉस्टल में ना नजारे ही नजारे हैं, बिना फोन के भी दिन कट जाएगा। बिना फोन के दिन कट सकता है? ऐसा कैसे कट सकता है? अरे तेरे एंटरटेनमेंट की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, तू चिंता मत कर और फोन की भी टेंशन मत ले, वार्डन से सेटिंग है अपनी, अपने आप ले आऊंगा तेरा फोन। और चल अपना 5-स्टार रूम दिखाता हूँ तेरे को। चल दिखा दे, पता नहीं अभी क्या क्या देखना बाकी है। ये देख भाई ये हमारा 5-स्टार रूम। अबे ओए 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 खुजली हो रही है, जल्दी करना खुजली कर।
थैंक यू भाई। ये फाइव स्टार, अबे इससे अच्छा तो मेरे घर में कमरा था। कोई बात नहीं भाई, यहाँ तो यही फाइव स्टार रूम है। वो है अक्कू और वो है शुब्बी। हाय, आजा आजा अंदर आ। अबे तुम क्या ऐसे ही पड़े हुए हो, चलो जल्दी मैस में खाना लग गया है। अगर अभी खाना नहीं खाया ना आधे घंटे में मैस बंद हो जाएगा। मैस? मैस का क्या चक्कर है ये? ओ तू तो कह रहा था खाना रूम में आएगा और मैं तो घर पे अपने कमरे में खाता था भाई। अबे ओ नवाब के 14, ये तेरा घर नहीं है जो रूम में खाना आएगा। चल के खाना है तो मैस में खा वरना भूखा रहे। ओ क्या चक्कर है, क्या सीन है? देख भाई, कुछ पाने के लिए यार कुछ खोना भी पड़ता है। अब मैस में जाके खाना खाएगा, गर्मा गर्म खाना मिलेगा, और अगर रूम में मंगवाएगा ठंडा खाना मिलेगा। पर कोई नहीं, अगर तेरे को ठंडा खाना खाना है, रुक मैं अभी मंगवाता हूँ। भाई ओ, मेरे को भी अच्छा खाना खाना है, गर्मा गर्म खाऊंगा मैं भी। चलो कोई नहीं, मैस में खा लेते हैं। अबे भाई तू तो कह रहा था कि फाइव स्टार होटल जैसा खाना मिलेगा हॉस्टल में, ये क्या है? तो भाई खाने में कमी किस चीज की है, फाइव स्टार होटल जैसा ही तो है। अरे गाले अबे भाई तू ना पहली बार खा रहा है इसलिए तुझे अजीब लग रहा होगा, तू खाता रहेगा ना आदत पड़ जाएगी। खाना अच्छा, रुक मैं तुझे अपने हाथ से हिला रहा हूँ। मत काम मुझे क्या, मैं तो खाता रहूंगा। अबे भाई ऐसे क्यों देख रहा है, खाना। अबे भाई हॉस्टल जाके पता चलेगा तेरे को खाने का असली टेस्ट, जल्दी खा। क्या मैं खाना प्लीज कर इसको, खा रहा जल्दी। लग रहे ना मस्त। भाई मजा आ गया आज तो, खाना खा के पेट भर गया मेरा। हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा, कितना टेस्टी था भाई, पैक हो गया मेरा पेट से एकदम। कितना घटिया खाना था, घंटा मजा आ गया, बेकार। अबे क्या हो गया, बहुत जोर की लगी है भाई। अरे 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 थोड़ा आराम से, लग रहा भाई की ढक्कन ढीली हो गई। अबे लग रहा है भाई का ढक्कन ज्यादा ही ढीला हो गया है। वो हकीम वाली दवाई कहाँ रखी जो हम पहले दिन आए थे? हाँ ये तो रही, चल चल उसको देके आते हैं। अरे क्या हो गया, दस्त लग गई क्या? अबे दिखाई नहीं दे रहा तेरे को। अबे भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है, हम भी जब पहले पहले नए आए थे ना हमारे भी लगे थे, अब तेरे लग गए। कोई बात नहीं, रौनक गोली दे इसे। एक काम करिए, हकीम बाबा की गोली का ठीक हो जाएगा जल्दी से। तेरे को इतना अच्छा खाना खाने की आदत नहीं है ना, इसलिए तेरे को दस्त लग गए। और वैसे भी आज से पहले जितना तूने गंदा खाना खा रखा है वो तो निकलेगा, खा ले इसको दवाई को, खा खा जल्दी खा। अब पहले बता देते इतना गंदा खाना है दस्त लगेंगे, खाता ही नहीं मैं। ओए यहाँ के खाने की बुराई मत कर दियो, फाइव स्टार होटल जैसा खाना है। हाँ। अरे इसको आदत नहीं है ना, कोई नहीं अब जल्दी से खा ना तू, खा ले खा ले। फिर लग गया, अब ये ठीक होके आएगा। अरे हाँ वो जितना वेस्टिंग मटेरियल है ना सारा एक बार में निकल जाएगा, हकीम बाबा की गोली है। आ गया आ गया। अरे एक काम कर, ये ले दोबारा खा। फिर गया, अब की बार तो पक्का ठीक ही होके निकलेगा। मुझे भी यही लग रहा है, ठीक ही हो जाए यार।
और भाई क्या कर रहे हो यहाँ है? भाई हॉस्टल के असली नजारे ले रहे हैं। असली नजारे क्या मतलब? अबे भाई हम ना अपनी आंखें गर्म कर रहे हैं, आंखें सीधी कर रहे हैं अपनी। अरे सुमित भाई सामने देखो ना। लड़की और यहाँ यहाँ कैसे? अबे भाई गर्ल्स हॉस्टल है इसलिए। गर्ल्स हॉस्टल इतनी पास है? हाँ और क्या भाई, तुझे आज पता चल रहा है कि हम तो डेली छत पे आके लड़कियाँ ताड़ते रहते हैं। हाँ और क्या भाई, उस टाइम मैं इन्हीं नजारों की तो बात कर रहा था, ऐसे ही थोड़ी ना सेटिंग कर रखी है तेरे भाई ने। भाई ये सही है यार। अबे भाई देख वो लड़की ना तुझे लाइन दे रही है। अबे हाँ भाई हाँ, तेरे को ही देख रही है, तेरे को हेलो कर रही है देख। अरे ना ना मेरे को कहा, मेरे को नहीं दे रही। अबे तुझे ही लाइन दे रही है, और वैसे भी इसकी दो तीन गर्लफ्रेंड है, मेरी भी पांच छह सात होंगी, मैंने कभी गिनती नहीं करी। और तू भी ठीक ठाक ही दिखता है, तेरे से भी सेटी हो जाएगी। भाई मैं तो कहता हूँ जाके बात कर एक बार। अरे ना 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 ना, मेरे को नहीं दे रही होगी। भाई यार इतने हैंडसम लड़के के आगे हम तीनों को कौन लड़की पूछेगी यार। अच्छा तो तुम्हारा क्या मतलब है, मैं गर्ल्स हॉस्टल की छत पे जाऊं अभी? हाँ और क्या, वही कहना चाह रही है, इतनी देर से तू जा ही नहीं रहा। ऐसे जाना टाप के। अरे वार्डन ने देख लिया तो? अरे यार कितने साल का हो गया तू, 22 साल का 23 साल का तो हो ही गया होगा। अबे भाई अभी भी वार्डन से डर रहा है? वार्डन ना अपना दोस्त है भाई, एक बीड़ी पिलाएंगे ना उतने में मान जाएगा, तू उसकी टेंशन मत ले, तू जाके लड़की से बात कर सीधा। अरे तू वार्डन की टेंशन मत ले, उससे अपनी फुल सेटिंग है, तू जाके अपनी सेटिंग भिड़ा। मतलब जाऊँ ना, कोई दिक्कत नहीं है? अरे जा भाई। ठीक है फिर जा रहा हूँ। हाय हाय। लाइन मार रहे थे आप मेरे पे? क्या लाइन मार रही थी मैं? क्यों बकवास किए जा रहे, बदतमीज। और वैसे भी मैं तुझे नहीं देख रही थी, तेरे दोस्त को देख रही थी। बेवकूफ कहीं का, बदतमीज। अरे वार्डन अंकल आप यहाँ? कुछ नहीं बेटा, बस चेकिंग चल रही है। चेकिंग? किस चीज की चेकिंग? रूम में प्रेस, इंडक्शन, वैक्यूम क्लीनर, मेस की प्लेटें भी यहीं पड़ी हैं। तुमने तो सारे के सारे रूल तोड़ दिए, किसने रखा ये सब जल्दी बताओ। तुझे पता नहीं है ये सब रूम में रखना अलाउ नहीं है? अरे सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। तो रुक जा, तेरे को तो अभी बताता हूँ। सॉरी सर, सर सर सॉरी सर, सॉरी सर। मेरी बात सुन ले, आज के बाद से इस कमरे में कुछ भी दिख नहीं जाना चाहिए। लग गई क्या ज्यादा? अबे ओ, पहले नहीं बता सकते थे क्या, ये इंडक्शन प्रेस और ये वैक्यूम क्लीनर प्लेटें प्लेटें कमरे में नहीं लगते? मेरे को क्या पता, मैं तो नया हूँ हॉस्टल में। अबे भाई तो हमें भी क्या पता, तू ही ज्यादा नवाब का वो 14 बनता रहता है। और भाई डेली प्रेस करके कपड़े तू पहनता, हम थोड़ी पहनते हैं, पिटेगा भी तू ही। और तेरे को चाहिए होता है खाने पीने का कमरे के अंदर, जब ये ले आया, और साफ सफाई भी तेरे को चाहिए होती है, वैक्यूम क्लीनर चाहिए, अब पिट। अच्छा तुम तो जैसे खाते ही नहीं, तुम तो जैसे प्रेस करते ही नहीं। कोई नहीं, वार्डन ने मुझे पीटा है, अब तुम्हें मैं दूंगा। यार कितना बोर हो रहे हैं, कहीं बाहर चलते हैं ना, मूवी देख के आते हैं, चलो। अबे तू पागल वागल हो गया क्या थोड़ा सा? वार्डन ने इस टाइम तक तो गेट भी बंद कर दिया होगा, अब वो बाहर जाने नहीं देगा, सो जा आराम से। गेट बंद कर दिया होगा? पर उसने तो मेरे को ऐसी ऐसी बातें बोली थी कि कभी भी रात को घूमो, कोई दिक्कत नहीं है हॉस्टल में, तो नाइट आउट मारो, ऐसे ऐसे बोल रहा था वो तो मेरे को। अबे भाई तेरे को ले चलेंगे मूवी दिखाने, हर टाइम रोता मत रहा, अगर ले चलते हैं भाई इसको यार मूवी दिखाने। अबे मैं तो कह रहा हूँ आराम से सो जाओ, क्या मूवी मावी देखोगे, रात हो रही है, ठंड हो रही है। अबे क्या है ये, कितना आलसी आदमी है, मूवी देखने चलते हैं, चलो आज। चल भाई कोई नहीं, वार्डन को तो सेट कर लेंगे बीड़ी में। अच्छा ठीक है ले चलते हैं अगर तू कह रहा है तो, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, इस बार चमेली का बंडल देना पड़ेगा, पिछली बार 502 का दिया था ना वार्डन ने, गेट खोलने से मना कर दिया था।
कोई नहीं यार, 10 रुपए और सही। हाँ ठीक है, चलो चल रहे हैं यार। चलना पड़ेगा क्या? अरे चलना, तैयार हो जाओ फटाफट। उई, वार्डन तो सो रहा है। चुपचाप चुपचाप निकल लेंगे एक एक करके, ठीक है? ठीक है चल फिर निकल। अबे शिट यार, चौपट हो गया। अबे क्या हुआ यार, यहाँ पे तो लॉक लगा हुआ है और हमारे पास चाबी तो है ही नहीं, कैसे जाएंगे अब? अबे तू एलियन एलियन है क्या? कौन से ग्रह से भाग के आया है? अगर हमारे पास ताले की चाबी होती तो हम गेट से ना चले जाते। और वैसे भी भाई गेट से जाने को बंग थोड़ी बोलते हैं, बंग तो दीवार टाप के जाने को बोलते हैं। आजा दीवार टापते हैं। अबे तू सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा क्या कभी? नहीं। चलो फिर दीवार टापते हैं ना, सारी बातें छोड़ो। ओ भाई ये कहाँ ले आया तू? अरे भाई टापते हैं ना, कूदते हैं ना, चलो भाई। लेकिन ये तो बहुत गहरा है। अरे तुम लोग ही तो कह रहे थे अभी दीवार टाप के जाते हैं, चलो अब टापते हैं ना। अबे भाई टांग टूट जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा हड्डी का। ओ ओ तू है ना एक्शन फिल्म देखने जा रहा है, तो थोड़ा बहुत तो एक्शन करना पड़ेगा ना यहाँ भी। ओ भाई एक्शन क्या, बाढ़ में हम नहीं कर रहे एक्शन, गेट से कूद। भाई वो फिल्म है फिल्म, यहाँ रियलिटी चल रही है। ओ अमरीशपुरी के पोते तू, दीवार नहीं टाप सकता एक? नहीं यार तुम्हारे बस की है ही नहीं। अबे तू गेट से उतर ना। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, गेट से भी तो उतर। सलमान खान बन रहा है पूरा, जल्दी गेट से उतर। चलो गेट से चलते हैं। भाई ये बटन तो अंदर सो रहा था ना, बाहर कैसे आया? दीवार टाप रहे हो ना, अभी बताता हूँ तुम लोगों को। सॉरी सर, सर जी माफ कर दो। रात को मूवी देखने जाओगे? वो भी हॉस्टल से बाहर निकल के बिना पूछे मेरे से? आज के बाद अगर जो किसी ने हॉस्टल का रूल तोड़ा तो उसे मैं तोड़ूंगा, और मैं कैसे तोड़ता हूं ये तुम सबको पता है। हॉस्टल का रूल तोड़ेगा। तू तो गया बेटे। पिटवा दिया ना मेरे को बेबाल तुम्हें। और तू तू क्या क्या कह रहा था कि ऐसे ही नाइट आउट पे चले जाओ, कुछ भी कर लो, हॉस्टल लाइफ तो ऐसी है वैसी है ऐसी। अरे कैसी भी नहीं निकली, सब कुछ उल्टा पड़ गया जो तूने बोला था उसका। एक नंबर की घटिया होती है हॉस्टल लाइफ, मेरे को नहीं रहना यहाँ। अबे भाई हॉस्टल लाइफ ना एक नंबर की चीज है, वो तो तू ढंग से जी नहीं रहा। ओ तू अब फालतू मत बोल, मैं फालतू में रैपट मार दूंगा तेरे। बेफालतू में मेरे को भड़का रहा है। चल अब सो जा। क्या सोचा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मेरे को नहीं सोना। बकवास मत कर, सो जा भाई, फीस रिफंड नहीं होती यहाँ पे। अरे फीस फीस गई बाढ़ में, मेरे को नहीं चाहिए कोई फीस, मेरे को नहीं रहना इस जेल में, मेरे को घर जाना है। अबे कम से कम 10-15 दिन तो रुक जा, घंटा काट ले। सो जा, मैं भी सो रहा हूँ, ठीक है तू? हाँ भाई। सो गए क्या सारे के सारे? मैं तो नहीं रहूंगा यहाँ, अभी की अभी भाग जाता हूँ, वरना ऐसे तो जाने नहीं देंगे। पापा! अरे बेटा आ गया तू? हाँ पापा मैं आ गया, और परमानेंट आ गया। परमानेंट मतलब? अरे मेरा मतलब हॉस्टल छोड़ के भाग आया। हॉस्टल छोड़ दिया? मन ही नहीं लग रहा था। इसका मतलब मेरे सारे पैसे बर्बाद? हाँ। तेरी माता की जय। ओए ओए पापा ये नहीं, देख देख पापा ये नहीं। ओए ओए ना 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 ना। पापा
पढ़ा रहा अब यही घर पे ही आया बड़ा हॉस्टल वाला। यार कुछ भी कहो कैसा भी हॉस्टल लेकिन हॉस्टल की याद बहुत आती है। मजे तो थे यार वहाँ। घर पे तो यार मन ही नहीं लग रहा। एक काम करता हूँ दोबारा हॉस्टल चला जाता हूँ। पापा कहाँ हैं? पापा? हाँ पापा मेरे को दोबारा जाना है। अरे बेटा तो उल्टा सीधा खाता ही क्यों है, दोबारा जाना पड़े जा। अरे वहां नहीं हॉस्टल में दोबारा जाना है। क्या हॉस्टल? अरे वाह हॉस्टल में जाने की बात कर रहा है, मजे आ जाएंगे। जब ये यहाँ नहीं था ना तो ऐसी ऐसी थी। नहीं जाना, पागल समझ रखा मेरे को है। जब तेरा दिल करे चला जाए, जब तेरा दिल करे वापिस आ जाए। है ठीक है पापा, अगर ऐसी बात तो नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा मैं तो ये बोल रहा हूँ जा। सच में? हाँ बेटा। अरे हॉस्टल से ही तो टॉपर निकलते हैं, आराम से पढ़ाई करियो वहाँ। चल बेटा जा। थैंक यू पापा।